नमस्कार, मैं गौरी, देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत। वक्त है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में बात होगी हरदोई की, में सीएनजी सिलेंडर में विस्फोट होने से कार में लगी आग की। दिखाएंगे बिहार में कैसे छठे चरण के मतदान को लेकर बिहार में बूथों पर उमड़ा वोटरों का हुजूम। और चर्चा होगी जगदलपुर की, जहां नक्सल मुठभेड़ पर विभागीय अधिकारियों ने ली प्रेस कॉन्फ्रेंस। तमाम खबरों पर चलिए विस्तार से कर लेते हैं चर्चा। खबर मुजफ्फरपुर से, जहां लोकसभा चुनाव 2024 के छठे चरण में बिहार की 8 लोकसभा सीटों के लिए मतदान हो रहा है। वाल्मीकि नगर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शिवहर, वैशाली, गोपालगंज, सीवान और महाराजगंज संसदीय क्षेत्र में सुबह 7 बजे से मतदान कार्य शुरू कर दिए गए हैं। वहीं इन संसदीय क्षेत्र के वोटर ने बेहद उत्साह दिखाया है। मतदान केंद्रों पर सुबह से ही लंबी कतारें लगने लगी। बिहार के छठे चरण के मतदान को काफी ज्यादा उत्साह के साथ एक लोकतंत्र के पर्व के तौर पर मनाया जा रहा है। 8 लोकसभा क्षेत्र के कुल 86 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला आज हो जाएगा। पटना से सीनियर संवाददाता दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट। खबर हरदोई से, जहां कार में जलकर पति पत्नी की मौत हो गई। हरदोई सांडी मार्ग पर पेड़ से टकराने के बाद आर्टिका कार में अचानक से आग लग गई। कार में पति पत्नी की दर्दनाक मौत हो गई। बता दें कि सूचना के बावजूद भी समय पर फायर ब्रिगेड नहीं पहुंची। राहगीरों और ग्रामीणों की कड़ी मशक्कत से आग बुझाई गई। सीएनजी सिलेंडर में विस्फोट होने से कार में भीषण आग लग गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने क्रेन की मदद से कार को हटा दिया। कोतवाली शहर के रुद्रपुरवा निवासी आकाश पाल और उसकी पत्नी कीर्ति सिंह की मौत हुई है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मृतकों के परिजनों को सूचना दे दी है। हरदोई के सांडी थाना क्षेत्र के कान्हा गौशाले के पास ये हादसा हुआ है। हरदोई से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र की रिपोर्ट। खबर जहानाबाद से है, जहां पर जिला प्रशासन के द्वारा नेहरू युवा केंद्र से संबंधित युवा मंडल महिला मंडल से युवाओं को मतदान के दिन दिव्यांग एवं वृद्धजनों की सहायता के लिए हर मतदान केंद्रों पर प्रतिनियुक्त किया गया, जिसका एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला जिला प्रशासन द्वारा लगाया गया। प्रतिनियुक्त युवाओं को प्रशिक्षण के दौरान टी शर्ट एवं टोपी जिला प्रशासन के द्वारा दी गई। सभी युवा 1 जून को मतदान करने में सहयोग करेंगे। तृतीय मतदान कर्मी के समान इन्हें मानदेय का भुगतान भी किया जाएगा। जहानाबाद से सी न्यूज संवाददाता विकास कुमार की रिपोर्ट। खबर कैमूर से है, जहां नुवाव कैमूर बक्सर संसदीय क्षेत्र के रामगढ़ विधानसभा के नुवाव प्रखंड क्षेत्र के सोनवर्षा, पंजराव, आखनी, कालीराम के अति पिछड़े बस्तियों में बिहार सरकार के पिछड़ा और अति पिछड़ा कल्याण मंत्री हरि सैनी ने बक्सर लोकसभा के लोकप्रिय उम्मीदवार मिथिलेश तिवारी के पक्ष में अभियान चलाया। इस अवसर पर उन्होंने लालू यादव के जंगल राज की याद दिलाते हुए कहा कि आपकी एक चूक आप सभी पर भारी पड़ेगी, इसीलिए अपने पिछड़े और अति पिछड़े भाइयों को जगाने आया हूं। इस अवसर पर उन्होंने एनडीए सरकार की कई कल्याणकारी योजनाओं को गिनाते हुए नरेंद्र मोदी के चल रहे महाविजय अभियान का हिस्सा बनाने की अपील करते हुए कहा कि आइए हम सब मिलकर एक नया भारत बनाने का सपना पूरा करते हैं। इस मौके पर पूर्व मुखिया श्याम नारायण विंद, जितेंद्र विंद, विशंभर विंद, दीनानाथ सिंह समेत कई लोग उपस्थित रहे। कैमूर से सीनियर संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। खबर जगदलपुर से, जो बीजापुर दंतेवाड़ा जिले के सीमावर्ती इलाके में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में 8 नक्सलियों के मारे जाने की पुष्टि मीडिया के समक्ष विभागीय अधिकारियों ने की है। उन्होंने बताया कि 8 घंटों तक ये मुठभेड़ चली। जब फोर्स लौट रही थी तब एक बार और नक्सलियों ने जवानों पर हमला किया, लेकिन जवानों ने एक नक्सली को मार गिराया और साथ ही साथ बाकी नक्सली जंगल में भाग निकले। इन 8 नक्सलियों के शव को दलों ने बरामद कर लिया है। इसके पूर्व उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने भी इस मुठभेड़ को सुरक्षा बलों की बड़ी सफलता कहा था। उन्होंने माओवादियों के समर्पण करने और मुख्यधारा में लौटने की अपील की, साथ ही पुनर्वास के लिए हर संभव मदद करने का आश्वासन भी दिया है। घंटे से नक्सलियों के खिलाफ उजवाड़ में एक अभियान चल रहा था और कल यानी बीते हुए कल जो 23 तारीख को सुबह से जो तीनों जिले के जो सीमावर्ती एरिया है, जो अबुझमाड़ का पूरा अत्यंत घने जंगल और पहाड़ी एरिया है, वहाँ पर जो है नक्सलियों के साथ इनकाउंटर शुरू हुआ। कल टोटल फिर जैसे ही मतलब जो सर इनकाउंटर होने के बाद सर्चिंग अभियान चलाया गया, तो उसमें टोटल 7 डेड बॉडी जो है माओवादियों का जो है इनकाउंटर में मारे हुए माओवादियों का शव बरामद हुआ। साथ में जो है 1 303, 2 315 बोर, 1 12 बोर और 4 जो है भरमार बंदूक जो है
बरामद हुआ। साथ में जो है कई आप देख रहे होंगे वहां पर गोला बारूद जो है आपके टिफिन बम है, कुकर बम है, बहुत सारे जो है गोला बारूद है, उनके जो वर्दी है, पिट्ठू है और बहुत सारे अन्य उपयोगी सामान बरामद। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर से सी न्यूज संवाददाता कन्हैया की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।